नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मिर्च के पौधे के बारे में। तो मैं यहाँ पास ही एक नर्सरी है, उसमें घूमते हुए आई थी, तो बस मुझे मिर्च के पौधे दिखे तो मैंने सोचा आज मैं आपको इसके बारे में बताऊं, क्योंकि घर पे मैंने नहीं लगाई है, क्योंकि घर पे हम लोग मिर्च कम खाते हैं तो कोई ज़रूरत ही नहीं रहती इसलिए। तो आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी इस मिर्च के बारे में मिल जाएगी कि अगर आपके पौधे पर किसी भी तरह का रोग आ जाता है या फिर फूल हैं वो झड़ जाते हैं, मिर्च नहीं बन रही हैं, ग्रोथ नहीं हो रही अच्छे से, सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगी और बिल्कुल जैविक तरीके से। तो दोस्तों, केमिकल यूज़ बिल्कुल ना करें। केमिकल खाद, केमिकल स्प्रे यूज़ करने से हमारे जो पौधे हैं कुछ दिनों के लिए हो सकता है अच्छे दिखें, लेकिन कुछ दिन बाद ख़राब होने लगेंगे और हमारे पौधों की जो मिट्टी है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। आप उसमें बाद में और कोई प्लांट लगाएंगे तो वो भी अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो बिल्कुल सब्जियों पे तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि सब्जी जो है वो हम खाते हैं और खाने वाली चीज़ों पर आप बिल्कुल भी केमिकल यूज़ ना करें। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा एक रोग आता है वो आता है जब पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, उसको चुरुड़मुरुड़ रोग बोलते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा मिर्च के पौधे में आता है जब पौधे की जो पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं, तो वो बहुत ही ख़तरनाक रोग है। और अगर आपको आप डेली चेक करते रहें, अगर एक भी पत्ती पर वो दिखे तो उसको आप उस पत्ती को तोड़ दीजिए वहीं से, तो फिर वो फैलेगा नहीं। लेकिन अगर ज़्यादा हो गया है आपकी जो पौधा है तो उसके लिए हम क्या करें? तो दोस्तों, आप उस पर कच्चे दूध से स्प्रे कीजिए। वीडियो है मेरा इस पर, कच्चे दूध से स्प्रे करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है सब्जियों पर। उसको पानी में मिलाकर, एक रेशो है थोड़ा सा दूध लेकर उसको पानी में मिलाकर फिर उसका स्प्रे हम करते हैं, तो सब्जियों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो कच्चे दूध से स्प्रे कीजिए या फिर आप छाछ से स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी ये बिल्कुल बहुत ही समस्या ख़त्म हो जाती है। या फिर आप जो राख होती है वो छिड़क सकते हैं, शाम के टाइम छिड़किए थोड़ा सा पानी अपने पौधों पर छिड़काव करने के बाद, ताकि वो उस पर चिपक जाए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंपोस्ट टी का स्प्रे कर सकते हैं, गोबर की खाद, या फिर कंपोस्ट को पानी में कुछ 2-4 दिन के लिए भिगो दें, उसके बाद उसका स्प्रे करें। इसका भी वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे हो सकता है दूसरा कारण कि पोलिनेशन नहीं हो रहा हो, तो आप कोई भी ब्रश लीजिए और उसका जो बीच वाला हिस्सा है उस पर ये ब्रश थोड़ा सा इस तरह से बीच में चला दीजिए। क्योंकि आप अगर घर में लगाते हैं तो मधुमक्खी या फिर चींटियां हो सकता है कि नहीं आ रही हैं, तो पोलिनेशन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से फूल सूख जाता है और नहीं बन पाती है मिर्च। तो आप हैंड पोलिनेशन करिए, दूसरा कारण ये हो सकता है, तो उससे भी ये समस्या दूर हो जाएगी अगर आपके फूल झड़ रहे हैं तो। तो स्प्रे के लिए आप बिल्कुल कच्चा दूध यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा रहता है। पहले लोग जब गांव में मिर्च सब्जियां या मिर्च या कुछ भी उगाते थे, बहुत सब्जियां उगाते हैं अब भी सब अपने घरों में, जब जगह रहती है गांव में, तो इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। गंगा जल हो गया, या फिर कच्चा दूध, छाछ, या फिर राख, इन सब चीज़ों का ही यूज़ करते हैं। और चाहे कोई सा भी रोग क्यों ना लगा हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है सब्जियों पर। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है, चाहे कैसा भी रोग क्यों ना हो, फूल झड़ रहे हों, जब भी फूल झड़ते हैं तो बोलते हैं कि गंगा जल छिड़क दो या फिर कच्चे दूध से छिड़काव कर दो, और फूल जो झड़ने की समस्या है वो ठीक हो जाती है, या फिर किसी भी तरह का रोग हो तो वो भी ठीक हो जाता है। तो ये देसी जो चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा असरदार और फ़ायदेमंद होती हैं, और मैं हमेशा इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ अपने सभी पौधों पर। तो कच्चे दूध का स्प्रे या फिर छाछ का स्प्रे ये तो करते ही रहना चाहिए हर हफ्ते अपने सभी पौधों पर। ये तो बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं और हमारे पौधों को बहुत ही फायदा देती हैं, कोई रोग नहीं लगता है, पौधों को पोषण भी मिलता है इनसे, और बहुत ही ज़्यादा पत्तियाँ बिल्कुल स्वस्थ रहती हैं। पत्तियाँ स्वस्थ रहेंगी तो अच्छे से हमारा पौधा भी स्वस्थ रहेगा और फल भी अच्छे से बनेगा। तो ये मैंने आपको जो बताई हैं चीज़ें, आप ये कीजिए। जो अगर आपकी बिल्कुल ये समस्या है कि कोई रोग आ रहा है या फिर फूल झड़ रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी दोस्तों। इसके अलावा मिट्टी आप अच्छी बनाकर लगाएं इसमें, जैसी कि मैं बताती हूँ हर उस वीडियो में कि 50% मिट्टी, 50% सैंड मिला लें, और 50% उसमें कंपोस्ट मिला लें, और हर 20 दिन में, 15-20 दिन में गुड़ाई करते रहें पौधे की। गुड़ाई करने के बाद उसमें हर 20 दिन में कोई भी जैविक खाद डाल दें, जब वो उस पर फ्रूट आ रहा हो, उस टाइम पे खाद की ज़रूरत रहती है, तो हर 15 से 20 दिन में खाद डालते रहें। तो कोई भी गोबर खाद या फिर कंपोस्ट आप डाल दें उसमें।
इतना ही काफ़ी होता है सब्जी वाली जो जितनी भी हमारी सब्जी की जो पौधे हैं उनके लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।